जय साथियों, मैं कमांडो युवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। काफी सारे साथियों के कॉल आ रहे थे और सर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के कंप्लीट वीडियोस बनाकर अपलोड करें। तो साथियों, लॉन्ग रेस के बाद में या सुबह के हार्ड वर्कआउट के बाद में बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने टीम के साथ में एक स्ट्रेचिंग का कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आप वीडियो देखें, इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। हल्का हल्का दोनों पांव खोल के जंप कीजिए, बाएं घुटने को उठाओ, घुटने को टच करते हुए पूरा स्ट्रेच करो और हल्का हल्का जंप लो बिना एडी टेके हुए। सेम एक्सरसाइज दोनों पांव से करो, पूरा पांव को ऊपर खींचना है। अगले एक्सरसाइज दोनों हाथ पीछे से लेग क्रॉस में और पांव को टच करो, घुटना बिना फोल्ड किए हुए पूरी बॉडी को खींचो। सेम एक्सरसाइज अपोजिट लेग के साथ में भी करनी है। नाक घुटने से टच करना है, नी पकड़ो अपना, नाक घुटने पे लगाओ और थोड़ी देर वहाँ होल्ड करने की कोशिश करो। हथेलियाँ जमीन में टच करने की कोशिश करो, हाँ बशर्ते कि इसमें घुटने आपके फोल्ड नहीं होना चाहिए। पाँव का पंजा पकड़ो और पूरा बैक साइड से स्ट्रेच करो उसको, इससे आपकी पूरी पाँव की मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। पाँव का पंजा पकड़ो, बितना घुटना फोल्ड किए हुए पाँव को आगे सीधा करना है। दाएं पाँव से बाएं हाथ को टच करना है, सेम क्रॉस में दोनों हाथों और दोनों पाँव की एक्सरसाइज करनी है। पंजे को पकड़ो और आगे से ऊपर उठाओ, कोशिश करो नाक लगाने की। हेलन डांस, हिप को हल्का हल्का हलाओ, एड़ी नहीं टिकेगी, पंजे पर जंप करना है। अभी ये प्रक्रिया स्पीड में भी करनी है, हवा में जंप लेना है और हवा में ही दो तीन बार शरीर को लहराना है इस तरह से। इसको हेलन डांस बोलते हैं। साथियों, दोनों हाथों को क्रॉस में ऊपर आसमान टच करने की कोशिश करो, एड़ी उठाओ और पंजे से छोटा छोटा कदम लेके आगे बढ़ो और सेम प्रक्रिया बैक साइड में भी। हाथ को दाएं बाएं से ऊपर उठाओ, ये थाई स्ट्रेचिंग के लिए। आगे का पंजा और पीछे का पंजा दोनों टिके होने चाहिए, एड़ी दोनों ही नहीं टिकी होगी। पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींचो, आगे की तरफ खींच के उसको स्ट्रेच करो। इससे आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग होगी, कदम भी खुलेंगे, आप स्टेप्स भी खुलेंगे। इसमें आपको खड़ा नहीं होना है, शिफ्ट करना है, एक पांव से दूसरे पांव के ऊपर शिफ्ट करना है, जिससे थाई मसल्स पर आपकी ताकत लगे। तीन चार, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार पीछे साइड में और पीछे पूरा। ये हम 10 सेट कर सकते हैं स्ट्रेचिंग में। पूरी बॉडी को दाएं से बाएं खींचना है, तीन बार सिंपल और चार बार हाथ को दाएं बाएं करना है, पूरा स्ट्रेच करना है। पूरी बॉडी को आगे से खींचो, दोनों हाथ खोलकर शोल्डर घुमाओ, शोल्डर अपोजिट, एक शोल्डर आगे से एक पीछे से। गर्दन आँख खोल के 360 डिग्री घुमाना है, कलाई घुमाना है मुट्ठी बंद करके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। पाँव को पूरा दाएं बाएं से जमीन में टिकाने की कोशिश करो, इससे आपको मोच नहीं आएगी। पंजा पीछे रखते हुए पूरा स्ट्रेच करो, धनुष बनाओ बॉडी को। दोनों पाँव खोलो, पंजे पर आओ और एड़ियाँ दोनों अंदर, दोनों एड़ियाँ अंदर। हाथ की कोहनियों से घुटने पीछे की तरफ फेंको, धीरे से हाथ आगे रखो, घुटनों का लोड कोहनियों पर,
लंजिंग करो यहाँ पर, हल्का हल्का बॉडी को किक करो और धीरे धीरे पंजों को उठा लो। पूरा बॉडी वेट आपके हाथों पे होना चाहिए। यहाँ पर कुछ वक्त के लिए होल्ड करो। धीरे धीरे खड़े हो जाओ, दोनों पांव खोलो, हाथों को पूरा आगे टच करो। जिसके कमर में दिक्कत है वो ये एक्सरसाइज नहीं करेगा। पंजा पकड़ो, नाक लगाओ घुटने में, लेग चेंज करो, बिना घुटना फोल्ड किए नाक लगानी है घुटने में। पंजा पकड़ो और दोनों घुटनों में एक साथ नाक लगाओ, घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, पाँव को थाई के ऊपर रखो और घुटने की एक्सरसाइज करो। जिसके घुटनों में गैप ज़्यादा है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही कारगर है। पंजा पकड़ो, नाक पंजे पे लगाओ, बाएं हाथ का घुटने पर रखते हुए सपोर्ट लेते हुए नाक जमीन में लगाओ। अभी नाक घुटने से बाहर जमीन पर लगाना है। पूरा बॉडी को घुमाओ, जमीन में नाक लगाओ, पूरी बॉडी खिंचाव आएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। यही प्रक्रिया दूसरी टांग से भी दोहरानी है, दूसरी साइड से भी। जिनके घुटनों में गैप ज़्यादा है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। घुटने में लाग लगाओ। अभी साथियों 90 डिग्री गैप करो, एक घुटना फोल्ड, एक पांव सीधा, दोनों पांव बीच 90 डिग्री का, अपोजिट हैंड और लेग का क्रॉसिंग से टच करो। दाएं हाथ से बाएं पांव के पंजे को टच करो, घुटने में नाक लगाओ, पूरा घूम के स्ट्रेच करके बैक साइड देखो। घुटना पंजा पकड़ते हो, धीरे धीरे उठाओ, धीरे धीरे, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, धीरे धीरे उठाना है। वापस रखो, धीरे धीरे घुटना उठाते हो, पांव सीधे करो। यही एक्सरसाइज दूसरे पांव से भी दोहरानी है। पांव फोल्ड करो, दाया पांव फोल्ड, बाया पांव ऊपर से रख के और कोहनी को घुटने में क्रॉस करके और पूरा घूम के प्रेशर देना बॉडी को। पीछे की साइड देखो, पंजे से नाक लगाओ, पूरा बॉडी को खींचो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मेरे साथियों। थाई और पिंडली को ढीला छोड़कर घुमाओ, हिप थोड़ा सा उठाकर इसको रिलैक्स करो, बिल्कुल हिलने चाहिए। पूरी बॉडी को उठाओ, पूरी बॉडी को उठाओ यू आकार में। शाबाश। अभी धीरे धीरे हिप को उठाना है, घुटने फोल्ड नहीं करने हैं, पंजे जमीन पर टिकाने हैं और अपने पीछे की ओर आसमान देखना है। इस तरह से पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, इससे घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे, एक लाइन घुटना, हिप और कंधा तीनों एक लाइन में होना चाहिए। जिसके घुटनों में ज़्यादा गैप है उनके लिए एक्सरसाइज अच्छी है। धीरे धीरे बॉडी को आगे लेके जाओ, हिप को नीचे रखो, एड़ियां अंदर होगी, पंजे बाहर की साइड में होंगे। दोनों कोहनियां आगे रखो और झुकाओ, एक साइड लेट जाओ, एक करवट, नीचे का पांव फोल्ड, ऊपर का पांव फोल्ड करते हुए पंजा पकड़ो और पूरा पीछे स्ट्रेच करो। इसी पांव को सीधा करते हुए
पूरा ऊपर 90 डिग्री लेके जाओ, पंजा सीधा, घुटना फोल्ड नहीं करना है। पांव का घुटना पकड़ो और चेस्ट में टच करो उसको। वापस रिलैक्स, यही प्रक्रिया दूसरी साइड से भी। पूरा बॉडी को खींचो, पांव 90 डिग्री में, बॉडी को पूरा आगे लेके जाओ वज्रासन में बैठते हुए। जिनके कमर में दिक्कत है वो लोग इस एक्सरसाइज से बचाव करेंगे। धीरे धीरे पूरी चोटी पीछे लगाओ जमीन में, चोटी धीरे धीरे पीछे लगाओ, शाबाश। एड़ी अंदर से, पंजे बाहर से, बैठ जाओ, दोनों हाथ आगे, कोहनी जमीन पर रखो, जमीन पर नाक लगाने की कोशिश करो। थाई मसल्स की पूरी एक्सरसाइज है ये, पूरी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज, पंजे पकड़ो और जमीन पे मारो। ये साथ में नोकनी वालों के लिए भी फायदेमंद एक्सरसाइज है। बड़ी बेड़ी में एक बंदा बैठ जाएगा, दूसरा बंदा अपना दाया पांव बड़ी के कंधे पर रखेगा और धीरे धीरे बंदा खड़ा होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सपोर्ट लेंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। बॉडी का कंधा कंधे के से जोड़कर हाथ ऊपर से खींचना है कलाई पकड़कर, और धीरे 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 बॉडी को आगे पूरा स्ट्रेच करो। धीरे धीरे खींचते हुए बॉडी के हाथ आगे की तरफ जमीन में टच कर दो, धीरे धीरे वापस शिफ्ट कर दो। कमर की एक्सरसाइज बहुत शानदार रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। बॉडी के दोनों हाथ गर्दन में डालकर कोहनियों के पास से पकड़ो, पूरा खींचो और उठा दो। हल्का झटका हो यहाँ पर, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत शानदार एक्सरसाइज है। लेटाओ दो बड्डी को, हल्का हल्का घुमाओ, धीरे 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 प्रेस करना है, धीरे धीरे। मैं सुरेश जाकड़। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।